हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड, एसएससी स्मार्ट क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, मैंने आपको रीजनिंग की जो सीरीज़ है वो शुरू करवा रखी है, ठीक है। और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हर रोज़ यार मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कितने लोग हर रोज़ रीजनिंग का एक सेट बना रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर का। देखिए, 2016 का भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ईजी है आपके लिए, यानी कि आप ये लगा लीजिए कि आपको 2017 का तो करना ही करना है, ठीक है। 2017 का अगर आप करोगे तो 2016 का तो आपको वैसे ही आसान लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैसे 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। अब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आपको शायद 5-6 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए दिक्कत की बात होगी उनके सॉल्व करने में। बाकी यार ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इजी ही हैं, ठीक है। तो प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस डील करूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं सोल्व कर दूँगा आपके लिए। आप क्या करिए, आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चंस और सोल्व करिए, ये भी हमसे नहीं हुए। लेकिन देखिए, कुछ क्वेश्चन तो इतने ईजी हैं, अगर वो भी ना कर पाए तो फिर आप एग्ज़ाम, मैं बोलूँगा कि आपका एग्ज़ाम देने का फ़ायदा नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी कहोगे सोल्व करने को, चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या है ये। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है, कितना आसान है, प्रेशर को कौन मेजर करता है, बैरोमीटर करता है। और उसके बाद ओडोमीटर किस चीज़ को मापता है, ऑफ कोर्स ही बात है डिस्टेंस। आपका ह्यूमिडिटी हो गया, साइक्रोमीटर हो गया, विंड का एनीमोमीटर हो गया, हॉट विंड को जो मेजर करता है आपकी। अब यहाँ पे जैसे 102 का क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी पूरी टेबल लिखनी है और फिर क्रॉस चेक करना है कि क्या हो रहा है। इसमें आपका जो क्रॉस चेक करना है, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ जी, देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास अगर डील करने को आए तो सबसे बेस्ट ट्रिक है, आप फटाफट ए बी सी डी लिख लिया करो, उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, देखिए, ए के बाद आपका एन इस तरह से चल रहा है, ए के बाद जेड नहीं देखना आपको, ए के बाद एन देखना है, फिर एम के बाद जेड देखना है, फिर आपका देखिए ए के बाद एन कितनी डिस्टेंस पे है, यहाँ पे देखिए 3, 4, 8, 12 टोटल 12 डिस्टेंस छोड़ के है, ठीक है, आपका 12 डिस्टेंस छोड़ के है। ऐसे ही M के बाद आपका Z कितना डिस्टेंस छोड़ के है, M के बाद आपका Z देखिए N O P Q R S T U V W X और Y, यानी कि ये आपका 12 छोड़ के हो गया, मतलब सारा आपका 12 छोड़ के हैं आपके इस तरह से। ऐसे ही D का Q हो गया और E का आपका R हो गया, ठीक है, ये भी आपका 12 छोड़ करके है। आई होप समझ आया होगा आपको, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा ये भी ट्रिकी है, चलिए मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। हाँ जी, इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। 2 × 4 × 3 आपका कितना हो गया, 24, ठीक है। आप 24 के स्क्वायर में 2 ऐड करिए, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 प्लस 2 578 हो गया आपका, ठीक है। ऐसे ही आपका 163 के लिए है, 1 × 6 × 3 विच इज़ इक्वल टू 18। आपको करना क्या है, आपको 18 का स्क्वायर करना है, उसमें 2 जोड़ना है। 18 का स्क्वायर आपका होता है, बताइए कितना होता है, 324 होता है आपका, 324 और 2 326, यही आपका क्या है आंसर हो गया। और क्वेश्चंस कर लेते हैं। 104 का आसान है, फ्लावर फ्रूट लीव्स रूट। देखिए, फ्लावर फ्रूट और लीव्स ये आपका अबव द ग्राउंड होते हैं, आपका रूट जो है वो बिलो द ग्राउंड है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था। 105 कर लीजिएगा, आसान है। 106 मेरे ख्याल से थोड़ा सा, मतलब थोड़ा क्या, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और इसमें दिमाग उतना नहीं लग पाता। देखिए मैं करवा देता हूँ आपको। हाँ जी, इसमें करना क्या है, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है ये और एकदम से दिमाग में नहीं आता कि इस तरह से भी लॉजिक हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपका, आपको क्या करना है, ये डिजिट ऐड करने हैं, ये वाले, ये आपका 8 आ गया ऐड करके, और इनको भी ऐड करिए, ये 8। देखिए 8 और 8 में आपका क्या है, दोनों आपके नंबर्स जो हैं वो कॉमन फैक्टर के हैं, यहाँ पर इनको ऐड करिए, 8 और 7 15 और 6 21 और 2 23
ऐसे ये आपका 7 और 2 9 और 6 15। अब ये दोनों नंबर आपके क्या हैं? को प्राइम, ठीक है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, या कह लीजिए इनका एच सी एफ ऑलवेज इक्वल टू 1 आए, वो आपका को फैक्टर्स होते हैं। ऐसे ही दोनों के लिए देख लेते हैं। हाँ जी, इन दोनों के भी लिए भी देख लेते हैं। 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14, ठीक है। दूसरा है आपका 4 और 2 2 और 1 3। अब इनमें भी आपका कोई भी कॉमन नहीं है, एच सी एफ 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे भी करते हैं आपका 9 6 15 3 18 और 1 19, और ये आपका हो गया 9। ये इनका भी आपका एच सी एफ 1 हो गया, ठीक है। ये भी आपके क्या हैं? को प्राइम है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे देखते हैं, ठीक है। जितने भी टफ टफ है मैं वो ले रहा हूँ। सीरीज़ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस तरह क्वेश्चन करने में आपको काउंट करने कितने हैं, ये कितने हो गए आपके, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 6 ब्लैंक्स हो गए आपके, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 6 16, आपके 16 टोटल ये वो हो गए अल्फ़ाबेट। अब आपको क्या करना है, इनके चार चार के फैक्टर्स बनाने हैं आपको, ठीक है, चार चार के फैक्टर्स बनाने हैं। तो चार चार के फैक्टर्स आप बनाओगे, आपका इस तरह से बनेगा। अब इसमें आपका होता क्या है, आपका कई बार तो सारे पैटर्न सेम हो जाते हैं, ये वाला पैटर्न भी सेम, ठीक है, आपका ये वाला पैटर्न भी सेम, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। यहाँ पे आपका देख के आपका फर्स्ट और थर्ड ये वाला पैटर्न सेम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका M आ गया और यहाँ पे आपका O आ गया, ऐसे आपका सेकंड और फोर्थ वाला पैटर्न आपका सेम हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये L है तो इधर ये L आ गया, ये NM हो गया। अब यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, O की कमी है, तो ये O हो गया और ये भी आपका O हो गया। तो इस तरह से आपको ये ब्लैंक्स जो है वो फिलअप करने हैं, सॉरी, हाँ, एल एम, यहाँ पे एन भी आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, एन ओ एल एम ओ ओ, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको टोटल अल्फ़ाबेट काउंट करने हैं, 16 आए, 4 4 के पार्टीशन कर लिए, ठीक है। उसमें फर्स्ट और थर्ड का सेम होगा और सेकंड और फोर्थ का आपका सेम होगा, और यहाँ पे आपका कई बार सारे के सारे सेम हो सकते हैं, ऑल आर सेम, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 109, ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। देखिए ये तो थोड़ा आसान ही है, या ये भी करवाऊँ, चलिए करवा देता हूँ, ये भी वैसे इजी है। आपको इनके डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं, 21 से 25 का डिफरेंस आपका 4 हो गया, 25 से 52, चलिए मैं करवा देता हूँ। हाँ जी, देखिए कैसे करना है ये, यहाँ पे इसका डिफरेंस आपका 4, इसका डिफरेंस 27, इसका डिफरेंस आपका 16, और इसका डिफरेंस आपका 125। अब तो आपको समझ गया होगा कैसे कैसे करना है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 16 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब, तो नेक्स्ट एक बार स्क्वायर एक क्यूब, एक स्क्वायर एक क्यूब, तो अगला स्क्वायर हो गया, यानी कि 36, ठीक है। सो आपको इसमें क्या करना है, जस्ट आपको करना क्या है, आपको 193 में 36 ऐड करना है, 6 और 3 9 9 और 3 12, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला 110 ईजी है, ये खुद कर लीजिएगा। 111 ये भी आसान है आपका, 112, हाँ जी 113 आसान है, आपको बस जस्ट नंबर असाइन करने हैं, सी का 3 हो गया, ए का, सॉरी आपका, हाँ आपको पार्टीशन करना है, देखिए 3 1 19 9 15, इस तरह से आपका पार्टीशन करना है, 3 1 19, मतलब सारे के नंबर असाइन क्यों हैं, सी का 3 हो गया, ए का 1 हो गया, एस का 19 हो गया, आई का आपका 9 हो गया, और ओ का 15 हो गया, इस तरह सिटीजन आपको फाइंड आउट करना है। 114 आसान है,
आपका 115 भी आपका आसान है। देखिए आपको करना क्या है, ये जो साइफन स्टार वाला है इसका मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस वाले का मतलब है प्लस, तो यानी कि 6 * 54 + 4 = 58, 9 * 27 + 7 = 34, तो ऐसे ही अगले के लिए आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी है, दिमाग में नहीं आता, देख लेते हैं कैसे करना है इसको। देखिए कैसे लॉजिक है इसमें, थोड़ा सा ट्रिकी लॉजिक है, समझ में नहीं आता। देखिए 5 * 5 + 6 + 7 + 9 इनको काउंट करिए, इनको काउंट करने के बाद कितना आया, 27 आया, ठीक है। ये जो बीच में डिजिट है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, 27, ये लॉजिक है आपका। ऐसे ही इसमें लॉजिक रख लीजिए आपका, आपका देखिए 6 * 3 = 18 बनाना है आपको, 6 * 3 = 9 + 5 = 14 + x क्या जोड़ें, x की वैल्यू 4, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इजी है, ये आप खुद कर लीजिएगा, 6 ट्राइंगल्स बनेंगे आपकी। 118 भी आसान है। अब यहाँ पे 119वां देखिए क्या लॉजिक बनता है आपका। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, देखो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको करना क्या है, आपको दो फिगर दे दी जाए और उसमें आपको पूछा है कि आपका 1 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो पॉइंट आपका सेम होता है 5 है उसके अराउंड आपकी रोटेशन करनी है इस तरह से, 5 6 1, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए आपका ऐसे ही यहाँ पे करिए 5 2 और 4, तो सीधा सीधा सा 1 के अपोजिट आपका 4 हो गया, 2 के अपोजिट आपका 6 हो गया, और 5 के अपोजिट आपका 3 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी तो सारे आसान हैं, फिर भी अगर नहीं सोल्व होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ग्रीन मैंगो फ्रूट, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए ये जो लॉजिक है ये मैंने थोड़ा इसके बारे में सोचा है, क्या पता कुछ और लॉजिक हो, बट मुझे तो यही लगता है, अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो बताइएगा, ठीक है। सो देख लेते हैं लॉजिक, हाँ जी। देखिए ये मैंगो, देखिए जितने भी मैंगो होते हैं वो आपके सारे क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं, ये आपको पता है, जितने मैंगोज़ हैं वो सारे फ्रूट्स हैं। अब ग्रीन में क्या है, आपके सारे के सारे फ्रूट तो ग्रीन नहीं हो सकते, और सारे के सारे भी आपके मैंगो ग्रीन नहीं हो सकते, कुछ फ्रूट आपके ग्रीन हो सकते हैं और कुछ एक मैंगो भी आपके ग्रीन हो सकते हैं, तो मैंने उसको ऐसे दिखा दिया आपका, ठीक है, ठीक है, मैंने आपको ऐसे दिखा दिया, कुछ फ्रूट आपके ग्रीन हो सकते हैं और कुछ मैंगो भी आपके ग्रीन हो सकते हैं, तो मैंने उसको इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। तो ये आपका मेरे हिसाब से तो ये लॉजिक बनेगा, क्योंकि आपके सारे के सारे फ्रूट ग्रीन नहीं हो सकते और सारे के सारे मैंगो आपके ग्रीन नहीं हो सकते, आपका कुछ एक फ्रूट और कुछ एक मैंगो आपका ग्रीन होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। सो बाकी सारे क्वेश्चन ईजी हैं, चलो फिर भी कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो मुझे बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा, सोल्व कर दूंगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।